दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ विशाल कुंडू। और आज है 24th of August। मैं अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3। मेरा सिक्योरिटी चेक, बोर्डिंग पास, लगेज सब हो गया है, इमिग्रेशन वगैरह। अभी मैं ड्यूटी फ्री में हूँ, दिल्ली ड्यूटी फ्री में, और मैं जा रहा हूँ भाई लंदन हेथ्रो एयरपोर्ट। ये दिस इज़ द ड्यूटी फ्री एरिया ऑन दिल्ली एयरपोर्ट। और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वर्जिन अटलांटिक फ्लाइट। सो दोस्तों गेट नंबर 1 to 26, जिसमें मेरा गेट नंबर 9 है, एंड आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स गेट नंबर 9। दिस इज द टेड बेकर लंदन। हम तो भाई प्रॉपर लंदन में जाके ही जाएंगे अब कभी, इसमें यहाँ ड्यूटी फ्री पे जाके क्या करेंगे। मेरे पास यहाँ इंडिया की सिम मैं छोड़ के आया हूँ घर पे, तो फ्री वाईफाई यूज़ करने के लिए आपके फ़ोन में या तो इंडियन सिम होनी चाहिए। अगर सिम नहीं है तो आप यहाँ पे आओ, अपना पासपोर्ट स्कैन करो, दे विल प्रोवाइड यू कूपन, दिस इज़ द कूपन, और इस कूपन पे आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा, वो आप लॉगिन करो, आपका फ्री वाईफाई चल जाएगा। बाहर भी मैंने चला लिया था बट वो बंद हो गया था मेरा किसी वजह से। अब मैं अंदर हूँ ड्यूटी फ्री पे, तो यहाँ पे भी कूपन मिल जाता है दोबारा। अब मैं दोबारा से लॉगिन कर रहा हूँ भाई। अंदर देखो कैसी टैक्सी चल रही है मेरी, दिल्ली ड्यूटी फ्री प्लेन की सेफ में है बिल्कुल। सी वायर, ये तो बहुत बढ़िया काम है। सो अभी मेरा गेट नंबर है 9, और ये 1 है भाई। वहाँ से एलिवेटेड है और हम यहाँ से वॉक करके जा रहे हैं, पता नहीं क्यों मैं इसको वापस लेके जा रहा हूँ, एलिवेटेड से आएंगे यहीं से। सो हम आ गए हैं इस पे एलिवेटेड पे, ज़मीन खिसक रही है हमारे पैरों तले से, अपने आप चले जा रही है। ये इधर बाहर का व्यू है एयरपोर्ट के, और उधर हम जाएंगे गेट नंबर 9 पे। और ये भाई पंजाब से हैं, ये भी लंदन जा रहे हैं भाई। ये हमारे आगे आगे पायलट साहब जा रहे हैं इंडिगो के, हमारे नहीं है ये, हमारी फ़्लाइट वर्जिन अटलांटिक है, ये इंडिगो के हैं। क्या मस्त जॉब है यार, पायलट वायलट बनो, जहाज उड़ाओ भाई जी। तो ये मेरा गेट नंबर 9 है, यहाँ से मेरी एंट्री होएगी। उधर वो मेरा प्लेन का खड़ा है बाहर, और 10 बजे 10:30 बजे एंट्री हो जाएगी मेरे लिए, लास्ट 10:30। तो भाई मैंने यहाँ कोस्टा कॉफ़ी से कोल्ड ड्रिंक वगैरह और सैंडविच खा चुका हूँ मैं, अब निकलता हूँ यहाँ से। प्लेन आ चुका है मेरा वर्जिन अटलांटिक, मेरा तो ऐसे बोल रहा हूँ खरीद लिया वजह से मतलब इसमें जाऊँगा भाई वर्जिन अटलांटिक गोरो के साथ बैठ के ठीक है। और भाई मेरा गेट नंबर चेंज हो गया था इसलिए वहाँ नहीं लगा, ये 10 पे आ गया, फिर पहले 9 पे था बट चेंज कर देता 10 पे आ गया। अभी मैं वहाँ से एंट्री करके यहाँ से निकलता हूँ नीचे और चलता हूँ फिर प्लेन में। भाई एंट्री हो गई है मेरी, नीचे जा रहे हैं अभी, मिलते हैं आपसे नीचे। चलो जी फाइनली एंट्री कर रहे हैं हम प्लेन में, चल रहे हैं बैठते हैं, चल गए अंदर। और ये भाई मिल गया मेरे को, सेम नाम रहा से विशाल, कहाँ से हो भाई? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहाँ से? रुद्रपुर से। ये भाई पंजाब से हैं, सुल्तानपुर लोधी से। सुल्तानपुर लोधी से, और इसको आप जानते ही हो विशाल रोहतक से। अरे भाई क्या चेंज ऐसी चल रहा है, शुरू होगी एसी महसूस हो गया अंदर आते ही, है ना, चिल्ड बढ़ गया एकदम। अभी प्लेन में एंट्री कर रहे हैं, करी नहीं है, सीट पकड़ते हैं अपनी, चल के वहां मिलाता हूँ आपसे, सीट कैसी है मेरी कार में। Just a few more things to load and a couple of people to join us. Paperwork is all done and we'll be on our way from Delhi this morning. Fairly lengthy taxi out to the Rashtali departure runway, and then we'll be climbing up to 34,000 feet.
A bit of a lengthy route today due to the winds, taking us through Pakistan over towards the Gulf and upwards through Iraq and Turkey. You can follow the route on the map should you wish to, which leads to a slightly disappointing flight time of 9 hours and 29 minutes. Steve is doing the flying, he is going to do his best to improve on that. लंदन पहुंच चुके हैं दोस्तों, एग्जिट कर रहे हैं अभी जस्ट प्लेन से और एयरपोर्ट पे जाके इमिग्रेशन क्लियर करते हैं, देन आगे दिखाता हूँ मैं आपको लंदन का एयरपोर्ट। हाँ जी, तो ये इमिग्रेशन की लाइन है भाई, इतनी लंबी, ये देखो उधर जाके इमिग्रेशन आएगा हमारा। भाई जस्ट इमिग्रेशन से निकले हैं लाइन से और इनका भी हो गया दोनों भाइयों का। यार बहुत इजी, मेरा तो मतलब इतना इजी, मैं तो जितना सोच के बैठा था कुछ पूछा ही नहीं उन्होंने, है ना। आपका भी इजी रहा भाई? मेरा तो बहुत ज़्यादा यार, बैगेज के लिए इधर जाना है नीचे, अब बैगेज कलेक्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। मैं बताता हूँ आपको, उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा एक्चुअली, अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी तो मैं ये डाल दूँगा। उन्होंने मेरे से लिटरली कुछ भी नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कि स्टडी सॉरी विजिट पर्पज़, स्टडी वीज़ा मैंने बता दिया उनको। उसके बाद दे ही आस्क्ड मी अबाउट माय अकोमोडेशन, मैंने उनको बोला जस्ट सिंपली जैसा हमें बोल के बताया जाता है कि किसी फ्रेंड का, किसी का रिलेटिव का रेफरेंस मत दो, बट मैंने उनको बोला कि मैं अपने फ्रेंड के पास स्टे करूँगा, तो उसको कोई इशू नहीं था। Then he asked about my course and my previous study and he stamped on my visa. Now I'm here to collect my bag. अभी बैग उठा के यहाँ से निकलते हैं भाई। ठीक है भाई, मिलेंगे। हमें इमिग्रेशन में इतना टाइम लग गया, मेरा तो ये अलग से ही रखे हैं दोनों। दो तीन दिन पहले ना सो रहा हुआ आदमी उसी क्लास से रहा है। हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, और ये आज का मेरा नया दिन है। मैं अभी लेस्टर में हूँ, कल लंदन लैंड होगी थी मेरी फ्लाइट, उसके बाद मैं यहाँ आ गया था, यहाँ पे मेरे अंकल रह रहे हैं, इनके पास आ गया था और भाई है यहाँ पे। हेलो अभी हम क्या नाम है, सुबह का टाइम है, उठ के ना थोड़ी फ्रेश हो गए, इधर आए हैं शॉप पे, यहाँ से कुछ लेते हैं अपना खाने पीने का। हाँ भाई के लिए आया वहाँ, अब ले भाई दूध की पिप्पी लिया है ब्रो, दूध की पिप्पी ना मिलती पिप्पे मिल रहे हैं उड़े। हाँ भाई पिप्पे लिया है भाई, अभी हमारा दूसरा चक्कर था भाई वो शॉप पे, पहले हम ले गए थे ब्रेड वगैरह सब कुछ ले गए थे, दूध भूल गए थे, ये जरूरी है वो सेहत के लिए, फिर हम दोबारा आए भाई पिप्पी ले गए, फिर चल रहे। ठीक है भाई,
गाड़ी है भाई, एक नंबर की आड़ है। गच गच ये देखो BMW BMW आड़ है, बड़ी बड़ी है भाई ब्रो। तो बोलेंगे ब्रो बम भी टाइम पे। राम राम ते, राम राम ते, तो नए नए आए हैं। राम राम ते लेंगे जरूर भाई। देखा पुलिस की गाड़ी जाओ, ये आड़ पुलिस की गाड़ी सी है भाई। लो पुलिस वाला भी देख के था आगे दिखाओ। तू तो खाओ तो पूछेगा, तू गाड़ी मकला है, तू भी आ जा। हां गाड़ी है घूमे नहीं यार, डगे जो यार ले यार, रेंज रोवर खड़ी है। और ये पीले नंबर देख के ना सोचो टैक्सी है। भाई हाँ मैं क्या कहूँ था, पीले नंबर देख कर ना सोचिए टैक्सी है। हर गाड़ी का नंबर पीला है यहाँ पे, जो कर अपने इंडिया में सफेद है। पीछे वाली नंबर प्लेट पीली है, आगे वाली सफेद है, दोनों है इनकी नंबर प्लेट, आगे सफेद पीछे पीली। तो भाई यो था नज़ारा लेस्टर सिटी का। लेस्टर सिटी अंदर तो हम भी मार्केट तो अपने बाद में दिखाएंगे आराम से। हाँ ये तो उसमें हम रेजिडेंस एरिया में है, ठीक है। चलो सब्सक्राइब कर लो भाई, ये तो हमने मैं इंग्लैंड घुमाऊंगा अगले ब्लॉग का। हम सारा मगे दागत के दागत सारा इंग्लैंड था, मैं जरा बैठ के दिखा देंगे सारा इंग्लैंड दिखा देंगे घर बैठे बैठे। सब्सक्राइब करते रहो, लाइक शेयर, इतने भाई ना देख लो, फैला दो इन्हें कितनी जमानू बढ़िया दादा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, राम राम भाई, राम राम भाई।